महानगर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए एसपी ट्रैफिक ने विभिन्न जगहों पर रूट डायवर्जन किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभात सिंह ने बताया कि महानगर में कई जगहों पर खुदाई की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दिन में खुदाई ना करें तथा काम रात में करें। उन्होंने कहा अंबेडकर चौराहों पर खुदाई चल रही है तो कोई भी ट्रैफिक अंबेडकर चौराहों की तरफ ना जाए, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा अंबेडकर चौक से तमकुही की तरफ आने वाला ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा तथा यह वाहन शास्त्री चौक व छात्र संघ भवन की तरफ होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएगा तथा कैंट की तरफ से अंबेडकर चौक की तरफ आने वाला ट्रैफिक अंबेडकर चौराहों से शास्त्री भवन की तरफ होते हुए अपने गंतव्य तक जाएगा तथा तमकुही तिराहे की तरफ प्रतिबंधित रहेगा। एसपी ट्रैफिक ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क के किनारे वाहन ना खड़ा करें तथा अपना वाहन मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ा करें, नहीं तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा ट्रैफिक। जैसे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी हैवी ट्रैफिक चल रहा है, कल यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो गई थी,
क्योंकि यहाँ अंबेडकर चौराहे पर काम चल रहा है और कई जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का लोड काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। इसके दृष्टिगत संबंधित डिपार्टमेंट है, उनको पत्राचार के जरिए निर्देशित किया गया है कि वो दिन में समय रात ट्रैफिक ये खुदाई का काम ना करें, ये काम रात को करें। और सेकेंडली इसके दृष्टिगत डायवर्जन भी प्लान किया गया है, जैसे अंबेडकर चौराहे पर काम चल रहा है तो वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक अंबेडकर चौराहे की तरफ नहीं जाएगा। सभी ट्रैफिक को छात्र संघ और शास्त्री चौक होते हुए कचहरी चौक होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। जो छात्र संघ की तरफ रोडवेज बसों को लिया जाएगा वो सीधे मोहद्दीपुर निकलेंगे, और जो अंबेडकर चौराहे का ट्रैफिक है, हरिओम नगर का ट्रैफिक है, उसको छात्र संघ होते हुए और शास्त्री चौक होते हुए निकाला जाएगा। अंबेडकर चौराहे की तरफ कोई भी ट्रैफिक नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरह से रूट ट्रैवलिंग की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो अननेसेसरी कट्स हैं और ट्रैफिक लाइट्स जो हमारे सभी चौराहे पर खराब पड़ी हैं, उनको भी संबंधित डिपार्टमेंट से पता चल कर उनको रिस्टोर किया जा रहा है। उनके रिस्टोर होने से हमें ट्रैफिक संचालन में काफ़ी सुगमता होगी। जो रोड के किनारे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनका भी लगातार चालान किया जा रहा है, हैवी कार्रवाई की जा रही है। मल्टी लेवल पार्किंग है, लोग गाड़ी नहीं खड़ा करते हैं। ये तो आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से अपील करना चाहूँगी, बाबा जागरूकता भी फैलाई गई है नगर निगम के वाहन के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी, उसके बावजूद भी जनता उसमें अपने वाहन खड़ा नहीं कर रही है, जिसका दृष्टिगत यहाँ गोलघर पे काफ़ी चालान भी किए गए हैं और लगातार चालान की कार्रवाई की जा रही है और वाहनों को तो करके यार्ड में ले जाया जा रहा है।